Hello, good morning class. Welcome to the maths class. And in maths we are doing a chapter 13. And in the last class we have done pictograph. Pictograph आपको बताया भी था मैम ने. When we shows data in the form of pictures, it is called pictograph. And today we are also going to do another question that is based on pictograph. But इसमें थोड़ा सा change है. Here we are using keywords. पिक्चर्स को लेकर हम की यूज करेंगे. सो हेयर आई हैव बीन मेड अ पिक्टोग्राफ फॉर यू दैट इज अ फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पीपल हैं उनके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? गिटार, ड्रम, पियानो, फ्लूट. सो दीज आर द फोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज लाइक बाय द सम स्टूडेंट्स और सम पीपल. ठीक है. और जहाँ पर उनको स्टार के जरिए शो किया गया है. ठीक है. सो जैसे गिटार है तो उसको स्टार से शो किया है. जो भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट है उनको गिटार के जरिए यहाँ पर शो किया गया है. बट यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है. वी आर यूजिंग कीवर्ड मींस यहाँ जो भी मतलब स्टार है, जो एक स्टार है, इट रिप्रेजेंट टू. मतलब एक स्टार का मतलब है कि टू स्टूडेंट या टू बॉयज या टू गर्ल्स इसको लाइक करते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर कीवर्ड दैट इज one star equal to, that is called key. So यहाँ पर एक star का क्या मतलब है कि two number of people, दो लोग होंगे वो एक star से. okay. So first we can check guitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As you know कि one star का मतलब है two. तो if we have six stars, so हमारे पास कितने people like करते हैं इसको? So आप ऐसे कर सकते हो, 6 2 जा भी कर सकते हो. और you can add 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. We will got 12 here. Okay. इसी तरह से हम अपना बाकी का भी करेंगे. Now we will answer the question which I have written on the board. So we will read the question and answer this question. First is, which instrument got the most votes? सबसे ज़्यादा votes किसे मिले हैं? देखो या तो आप इसको count करके देख सकते हो. आप उसको double नहीं करना चाहो क्योंकि एक star दो को present करता है. तो आप generally भी आप count करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. As we have counted guitar, guitar को आप count कर चुके हो. Now we will count drum. 1, 2, 3, 4, 5. So drum have 5 stars. It means 10 people. And piano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 को आप 2 से multiply कर दीजिए या plus कर लीजिए. So 2, 2, 2 करके आप करेंगे तो 8 2 से आपका 16. So 16 आ गए यहाँ पर. And flute 1, 2, 3, 4. यानी कि 4 को आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए तो यू विल गेट 8. सो अभी हमें बताना है विच इंस्ट्रूमेंट गॉट द मोस्ट वोट. सबसे ज़्यादा वोट किस इंस्ट्रूमेंट को मिले हैं? सो दैट इज पियानो बिकॉज इट हैज़ मोर स्टार्स. इसके पास सबसे ज़्यादा स्टार्स है, 8 हैं, बाकियों के पास कम है. तो वैसे भी अगर इसको डबल आप करते हो क्योंकि एक स्टार 2 को प्रेजेंट कर रहा है तो इट विल बिकम 16. सो आवर आंसर इज दैट इज piano which got most votes. So I am writing here piano. P-I-A-N-O, piano. Okay, next question is which instrument got 10 votes. अब आपको बताना है कि इन instruments में से किस instrument को 10 votes मिले हैं. For that we have to check. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको 12 मिले हैं. 1, 2, 3, 4, 5 it means 10 क्योंकि एक 2 को प्रेजेंट करता है. एंड दिस इज वी हैव डन दिस इज 16 एंड हियर वी हैव 8. तो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस 10 को प्रेजेंट कर रहा है? दैट इज ड्रम. सो वी राइट हियर ड्रम. D-R-U-M, ड्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज हाउ मेनी मोर वोट्स Did the guitar have then the drums? अब आपको बताना है कि जो गिटार है उसे
ड्रम से कितने वोट ज्यादा मिले हैं. ओके सो वी नो ड्रम हैव 10 वोट्स क्योंकि 5 स्टार्स हैं, इट हैज 5 स्टार्स सो इट गॉट 10 वोट्स एंड गिटार हैव 6 स्टार्स तो इट गॉट 12 वोट्स. सो अभी आपको बताना है 10 और ये 12 आपको बताना है कि गिटार के पास ड्रम से कितने ज्यादा वोट्स हैं. सो अगर आप 12 में से 10 माइनस करेंगे तो यू विल गॉट 2 हियर. सो आवर आंसर इज 2 वोट्स. नेक्स्ट इज नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी वोट्स डिड द पियानो एंड फ्लूट हैव ऑल टुगेदर. मींस अगर आप फ्लूट और पियानो को एक साथ रख दो तो उनको टोटल कितने वोट्स मिले हैं. सो एज वी नो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 is 16 and 1, 2, 4, 3, 4, 8 यानी कि 16 एंड 8 अगर आप 16 एंड 8 को आप प्लस करेंगे यू विल गॉट हेयर हाउ मच 24. सो यू विल राइट हेयर 24 वोट्स. ओके स्टूडेंट्स सो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बोर्ड पे समझाया था उसी का वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन आवर बुक दैट इज पेज नंबर 108. सो वी विल स्टार्ट विथ इन अ स्कूल चिल्ड्रन कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स इशूड विच दे हैव टू रिटर्न आफ्टर 15 डेज. देखिए स्कूल लाइब्रेरी में बच्चे क्या कर सकते हैं जाके अपनी बुक्स इशू करा सकते हैं और जो कि उनको आफ्टर 15 डेज रिटर्न करनी होती है. ठीक है सो लुक एट द पिक्टोग्राफ. आपको यहाँ क्या दिया है उसका एक पिक्टोग्राफ दिया है मतलब आपको पिक्चर्स के जरिए वो समझाया हुआ है. ठीक है सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. लेट अस रीड एंड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टू सी हाउ मेनी बुक्स were issued on a particular day. तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ दिया हुआ है आपको और ये दिखाया गया है कि जैसे डेज डे वाइज दिया हुआ है. हेयर आर 6 डेज मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है और ये सामने आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कि कौन से दिन कितनी बुक्स वहाँ पर इशू की गई क्योंकि लाइब्रेरी से बच्चे क्या कर रहे हैं बुक्स इशू करा रहे हैं. सो मंडे उससे पहले मैं आपको बता दूं नीचे आपको दिया हुआ है हेयर बुक रिप्रेजेंट 10 बुक्स. एक पिक्चर मींस अगर एक पिक्चर आपको दी है बुक की तो इट इसका मतलब है कि ये 10 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सो देखिए मंडे को देखिए वी हैव 5 पिक्चर ऑफ बुक्स. बुक्स की 5 पिक्चर हैं और एक पिक्चर किसको प्रेजेंट कर रही है 10 को. तो 10 एंड 10 20 देन 30 देन 40 एंड 50 यानी कि मंडे को कितनी बुक्स इशू हुई हैं यहाँ पे 50 क्योंकि एक बुक 10 को प्रेजेंट कर रही है. नेक्स्ट इज ट्यूसडे. ट्यूसडे वी कैन सी 3 पिक्चर्स सो 10 10 एंड 10 इट विल बिकम 30. सो ट्यूसडे को 30 बुक्स इशू होती हैं. वेंसडे में वी हैव ओनली 2 पिक्चर्स सो इट मीन्स 20 बुक्स. थर्सडे वी हैव अगेन 1, 2, 3, 4, 5 सो इट मीन्स 50 एंड देन फ्राइडे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इट मीन्स 60 एंड सैटरडे देर इज ओनली 1 सो 1 बुक प्रेजेंट 10 यानी कि सैटरडे को सिर्फ 10 बुक्स. नाउ वी चेक आवर नेक्स्ट पेज. ओके सो देखिए So on Monday, if 5 pictures of books are shown, it means Monday total number of books issued 5 multiplied 10. यानी कि आप उसको 10 से multiply भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि आप multiply करके देखोगे तो it will be easy for you. So it is equal 50. So one picture is book equal 10 books is called a key. इसे हम क्या कहते हैं key कहते हैं. As per the pictogram, the number of books issued on Monday 50, Tuesday 30, Wednesday 20, Thursday 50, Friday 70 and Saturday 10.
सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इश्यूड इन द वीक, मतलब हमें पूरे वीक का पता करना है कि पूरे वीक में कितनी बुक्स इश्यू हुई हैं. सो वी हैव टू ऐड ऑल द बुक्स. सो 50 + 30 + 20 + 50 + 70 + 10 इक्वल 230 बुक्स. सो हाउ मेनी मोर बुक्स वर इश्यूड ऑन थर्सडे देन ऑन वेंसडे. सो वेडनेसडे से थर्सडे को कितनी ज़्यादा बुक्स इशू हुई हैं. सो हम क्या करेंगे, 50 में से क्या करेंगे हम 20 को माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट 30. सो 30 मोर बुक्स वर इशूड ऑन थर्सडे देन ऑन वेंसडे. नाउ वी विल डू अ लेट्स ट्राई टू. लेट्स ट्राई टू में क्वेश्चन नंबर वन इज, अ फर्नीचर शोरूम सेल्स चेयर ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांड्स. लुक एट द पिक्टोग्राफ ब्लो. देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की यहाँ पर चेयर्स हैं, ठीक है, और उसका एक पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है. ब्रांड ए बी सी 3 ब्रांड्स हैं यहाँ पर और नंबर ऑफ चेयर्स आपको दी हुई हैं, ठीक है. सो ए में देखिए हाउ मेनी चेयर्स आर हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी हैव 8 चेयर्स. इन नंबर बी वी हैव 6 चेयर्स एंड इन नंबर सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेयर्स. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आर देयर इन द शोरूम. सबसे पहले तो हमें बताना है कि शोरूम में कितनी टोटल चेयर्स हैं. सो अब आप देख सकते हो, पहले आप ऐड करेंगे. आप सबसे पहले लेंगे नंबर ए का. सो नंबर ए में कितनी चेयर्स हैं, वी हैव 8 चेयर्स. देन इन नंबर बी वी हैव 6 चेयर्स एंड इन नंबर सी वी हैव 11 चेयर्स, ठीक है. तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो 8 + 6 + 11 यू गॉट हेयर 25. सो वी राइट हेयर 25. सो नेक्स्ट इज, हाउ मेनी मोर चेयर ऑफ ब्रांड सी देन ब्रांड बी. आपको बताना है कि ब्रांड सी में कितनी चेयर्स ज़्यादा हैं ब्रांड बी से. सो इन ब्रांड बी वी हैव 6 चेयर्स एंड इन ब्रांड सी वी हैव 11 चेयर्स. सो जो भी नंबर ज़्यादा होता है वी माइनस फ्रॉम दैट नंबर, मीन्स हमें 11 में से 6 माइनस करना है. सो वी विल गॉट हेयर 5. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू. दैट इज, 4 फ्रेंड्स वर राइडिंग बाइसिकल्स एंड कवर द डिस्टेंस विच आर शोन इन द पिक्टोग्राफ बिलो. ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हैं और उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है इन किलोमीटर्स. सो नेम है हमारे अर्जुन, कबीर, साहिल और निहाल. अब देखिए उन्होंने साइकिल से जो है कवर किया है डिस्टेंस, बट हमें नीचे पहले लाइन पढ़ लेनी चाहिए. If each cycle present 2 kilometers, answer the following. ठीक है, अगर एक साइकिल मीन्स जैसे हमने की, ये की है, की दी हुई है, ये एक साइकिल का मतलब है कि 2 किलोमीटर वहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है. सो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी क्वेश्चन है उनकी आंसर करने हैं. सो नंबर ए देखिए, अर्जुन कवर्ड, हमें बताना है कि अर्जुन ने कितने किलोमीटर कवर किया. सो अर्जुन कवर्ड, एज यू शो हेयर वी कैन सी कि वी हैव हाउ मेनी साइकिल्स इन फ्रंट ऑफ अर्जुन, 1 2 3 4 5 6 7. सो वी हैव 7 साइकिल्स हेयर एंड 1 साइकिल प्रेजेंट 2 किलोमीटर. तो इफ वी मल्टीप्लाई 7 बाई 2 वी गॉट 14. सो अर्जुन कवर्ड 14 किलोमीटर. नेक्स्ट इज कबीर कवर्ड. Now we will check Kabir cycle. So we have 2 cycles. So 2 multiplied 2, it will be equal 4. So Kabir covered 4 kilometer. Arjun covered 14 kilometer. Kabir covered 4 kilometer. Now next, Sahil covered.
So we will check Sahil's cycles. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so we will multiply 6 by 2. So we will got here 12. So Sahil covered 12 kilometer. Next is, and Nihal covered. Nihal ne kitne kilometers covered kiye hain? So 1, 2, 3, 4. So 4 ko aap multiply karenge 2 se. So we will got here 8. So Nihal covered 8 kilometer. Now we have Arjun covered 14 kilometer, Kabir covered 4 kilometer, Sahil covered 12 kilometer and Nihal covered 8 kilometer. Next is question number B. Sahil covered dash kilometer more than Kabir. अब हमें बताना है कि साहिल ने कबीर से कितने किलोमीटर ज़्यादा कवर किए. सो हमें पता है कि साहिल का कितना है, 12 किलोमीटर है और कबीर का क्या है, 4 किलोमीटर है. तो उसका कम हुआ कबीर का. सो हम क्या करेंगे, 12 में से 4 को माइनस कर देंगे. देन वी गेट 8 किलोमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल फोर फ्रेंड इज. देखिए अब हमें चारों फ्रेंड्स का बताना है कि इस चारों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया. अगर आप चारों को ऐड करते हैं तो वी विल गॉट 14 प्लस 4 18 एंड वी विल आल्सो प्लस 12 इन दिस एंड प्लस 8. सो वी विल गॉट हेयर 38 किलोमीटर. 38 किलोमीटर. सो इन द लास्ट वी कैन से दैट वन साइकिल इक्वल टू किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड अ की. इसको हम की कहते हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया था. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर टू इज डन.